السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. भैया हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 की एक्सरसाइज के, जिन लोगों उसको देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है तो सॉल्व करवा देते हैं। इससे यह कि आपकी जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। यही पहला चैप्टर है 13 ऊप का, बेसिक्स ऑफ ऊप। पहला क्वेश्चन प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आज आपने ऊट पढ़ानी है या आइकन पढ़ानी है? असल में अभी सीआर के साथ डिस्कशन हुई थी, सीआर कह रहे थे हमारी प्रोफेशन जो है ना वो सी की नहीं है, तो फिर मैंने सीआर को बोला कि आपकी जो है ना वो जिन लोगों को तो आता है ठीक है, जिनको नहीं आता उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये एक्सरसाइज जो है वो ये हमारी बुक जो आईटी सीरीज वाली बुक है उसकी बुक की एक्सरसाइज करवा देता हूँ। करवानी है सर जी, कौन सी की एक्सरसाइज करवानी है? बुक की या पाइथन बुक की? इसकी, ये सी वाली, क्योंकि पेपर तो आपका सी में से होना ना, पाइथन का तो नहीं होना। सर आपने सिलेबस बता दिया सी आर को? हाँ जी, सिलेबस 13 से लेके 18 तक चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, 13 टू 18। सर 13 से 18 तक? 13 से 18। ओके सर। मोस्टली टीचर कह रहे हैं कि एग्जाम ऑनलाइन होना है, है सर इस बार इंफॉर्मेशन? बस मसला ये है कि अगर तो यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होनी, एग्जाम तो होना है, और इससे पहले जो आपके सीनियर जो है ना, जो लास्ट सेमेस्टर वाले, उनके लिए तो उसको जो है ना उनका मॉक टेस्ट और उनका जो है ना ताकि मॉक टेस्ट में ताकि उन्हें ये पता चल जाए अभी कैसे है, रिक्वायरमेंट से फेमिलियर हो जाए, वो करेंगे और फिर जो इसका फाइनल था इन्होंने पेपर ले लिया, टीचर से को कहा कि पेपर जमा करवा दे, वो उनका ऑनलाइन जो है ना वो हो जाए। तो अगर तो यूनिवर्सिटी ओपन हो गई फिर तो आपके रेगुलर ही होंगे, अगर नहीं हुई तो फिर समझिए आपके तो ऑनलाइन। ठीक है सर। सर फैक्टर नंबर 18 रिवाइज कर दीजिएगा, उसकी एक्सरसाइज करवा दीजिएगा, फाइल हैंडलिंग वाली। फाइल हैंडलिंग वाली? अब आप बताएं लास्ट से शुरू करना है कि 13 से शुरू करना है, जैसे आप कहते हैं। सर आखिरी वाला करवा दीजिएगा, फाइल हैंडलिंग वाला। चलो आखिर से शुरू कर लेते हैं, आखिर में पीछे को आ जाते हैं। इनहेरिटेंस इजी है, थोड़ा बहुत हो जाएगा वो। वैसे जो है ना, वैसे मैंने ये ऑप्शन आपके सीआर को दी थी, आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन पूछ लें, क्या जो इसका जिस भी चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है वो पूछ लें, मुझे इस पे भी कोई इतराज नहीं है। मकसद इसका है आपके ऑनवर्ड क्लासेस का मकसद आपकी प्रिपरेशन हो जाए, एग्जाम की प्रिपरेशन। सर फाइल हैंडलिंग की एक दो प्रोग्राम, वो मैं फाइल हैंडलिंग की एक्सरसाइज करवा दें। हाँ उसी एक्सरसाइज से एक दो प्रोग्राम करवा दें, वही 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 पे जा रहा हूँ बस बस। ओके सर।
ये है पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन करना, सभी करवाने हैं या कोई स्पेसिफिक है बोले? सर मेन बस ओवरव्यू दे दें बस। यानी जी पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 10 बाइनरी इंटीजर वैल्यू फ्रॉम डाटा फाइल एंड डिस्प्ले देम ऑन द स्क्रीन, कि एक फाइल के अंदर 10 इंटीजर पड़े हैं डाटा फाइल में और आपने उन 10 हैं या कम अगर होते हैं तो वो जो है ना वो डिस्प्ले करवा दें, ठीक है? अगर कम है तो वो कह दिए फाइल जो है ना वो यानी फाइल खत्म हो गई है। ये इसका जो है वो प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं जी। इसमें अच्छा जी, इसमें आपके पास एक फाइल बनाते हैं जी, एक फाइल है आपके फोल्डर में बना लेते हैं GBS सेकंड के अंदर। ये एक फाइल है जी, इसके अंदर हमने कुछ नंबर्स रखे हुए हैं, ठीक है जी? इसको हमने डाटा फाइल बना, डाटा फाइल इससे हमने क्या करना, रीड करके और डिस्प्ले करवाने, फाइल को ओपन कर लेंगे और इफ स्ट्रीम रीड करना है, इफ स्ट्रीम फाइल का नाम था डेटा डॉट टी एक्स टी। अब सारे करने हैं तो हम कहते हैं जी वाइल नॉट इंटरनेट ये है। अब इंटीजर रीड करना है ना, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का ए और ये रीड करना है इफ से सी आउट ये आपके पास प्रोग्राम आ गया और if dot close इसको रन किया तो I am in problem। इसको रन किया तो सर इंक्लूड में ई मिसिंग है, आई वाज स्ट्रीम क्या मिसिंग है सर, इंक्लूड के स्पेलिंग गलत है। हाँ चलो भाई ये हो गया, ओ नॉट इफ डॉट एंड फाइल से रीड करते हैं। फाइल का नाम चेक कर लेते हैं आपके फोल्डर में है भी कि नहीं, ये फाइल थी जी डेटा
इसकी टेक्स्ट क्रिएटिव चेक कर लेते हैं फाइल भी उसने ओपन की है कि नहीं, बाद में कैसे होता है इसकी वैसे ही मसला होता है। हम कहते हैं जी ये नॉट इफ सीआर कैन नॉट ओपन फाइल सर, हम फाइल की लोकेशन कैसे बताएंगे? ये तो सिर्फ फाइल का नेम है। यस सर, पहले चेक कर लेते हैं कि फाइल ओपन नहीं हुई, इसी वजह से मुझे आना है। अच्छा अब वहाँ पूरा अब इसमें दो चीजें होती हैं, अगर तो फाइल पाथ कॉपी करने का। हाँ जी, ये लेक्चर के अंदर से ये गलत जगह पे सेव होगी, इसकी वजह से ये ओपन नहीं हुई। इसको मैं सेव एज करता हूँ, सेव एज ये करने के लिए बी एस सी एस सेकंड। अब यहाँ पे चलाएंगे तो अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, देखिए इसने रीड कर दिए। अब क्वेश्चन ये था कि पहले क्यों नहीं किया, पहले ये था कि वो उस पाथ पे नहीं था। अगर आप पाथ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे आपके पास ये पाथ है, ये पाथ। अगर आप पाथ नहीं देते तो फिर ये कहाँ देखता है? ये देखता है करंट फोल्डर के अंदर, यानी जिसके अंदर आपकी सीपीपी की फाइल सेव है उसी फोल्डर में अगर इसको मिल जाता है तो ये ओपन कर देता है, ठीक है। और अगर उसमें नहीं मिलता फिर ये ओपन नहीं करेगा। अब हमने के लिए पाथ दे दिया, अब जहां से भी चलाएंगे तो ये चला देगा, फिर ये मसला नहीं करेगा, ठीक है। तो इसने वो किया कि आप इसमें कितने हैं, 2, 4, 6, 8 एलिमेंट थे, उसमें 10 कहा था हमने एंड ऑफ फाइल तक रीड करवा दिया लास्ट में जो है। तो ये हमारे पास था कि आपने रीड करने 10 इंटीजर वैल्यू फ्रॉम क्लास, अगर 10 से ज्यादा हो आप कंडीशन लगा सकते हैं कि 10 ही रीड करने है तो 10 भी कर सकते हैं, वो लूप चला ले जितनी देर आपने चलाएंगे उतने रीड कर ले। अगला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट काउंट द नंबर ऑफ वर्ड इन द फाइल, फाइल के अंदर नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने। हम एक फाइल बना लेते हैं, जैसे मैं इसे फाइल उठा लेते हैं, फाइल बनाते हैं, ये है फाइल किया, ये हमने एक फाइल है जिसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ पीरियड है 6 month मोर इंपॉर्टेंट आप दिया दिए हिंदी हिंदी अर्ली डेज और क्या ये लिख दिया 6 month इज मोर। अच्छा जी, ये हमने क्या किया, एक फाइल बना, इसको हमने रीड करना, इसमें बताना भी कितने वर्ड हमारे क्लास में कोई नहीं है सर। अब इसमें फाइल को मैं सेव एज करता हूं, फाइल सेव एज बनाइया ते इन लोए दिया पुंडा भी पाड़ देगी। तू पहले भी पैण जाई सी इंजी के अच्छा जा फिर पैण जुआ, तू फिर नहीं ना मन्नी किसे कंजर दी गल, ए पुंड मारा लाया है इन्होंने। बार बार आईडी से डील करके करते हैं, इसको हमने सेव किया,
अब हमने क्या करना है, काउंट करने नंबर ऑफ वर्ड्स। फाइल का नाम जो है आपके पास डेटा टू है, फाइल का नाम डेटा टू। और यहाँ पे हमने अभी से दो तरीके नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने। एक तरीका ये है कि आप स्पेसेस काउंट कर लें, int count equal to zero, spaces count कर लें, count one कर लिया, जी हमने इसको रन किया तो इसने बता दिया कि इसके अंदर कितने 13 वर्ड्स। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप वर्ड्स, हमने यहाँ पे क्या किया, मशीन सेट कर ले, फाइल को ओपन किया, काउंट को वन किया, कैरेक्टर में स्पेस डाला ना, इसमें स्पेस ना भी डाले इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चेक किया, एक एक करेक्टर रीड किया, अगर वो इफेक्टिव स्पेस है तो काउंट इंक्रीमेंट कर, तो जितनी स्पेसेस होंगी, आमतौर पे वर्ड जो है वो सेपरेट करते हैं स्पेस से, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड आ गया। दूसरा तरीका ये है, हम यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड को हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स ये हमने बता दिए। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे करेक्टर की बजाय स्ट्रिंग कर लें, क्या कर लें यहाँ पे, जो मैं इस साथ साथ ये ऐसा आपने स्ट्रिंग कर ली, यहाँ पे इसकी बजाय दोनों कमेंट किया, हमने सिंपल इफ डॉट इफ में एस कर लिया। अब ये स्पेस के ऊपर भी करेगा, जितने वर्ड्स वो रीड करेगा उतनी दफा ये काउंट हो जाएगा, जितनी दफा। अब यहाँ पे हम काउंट में फिर जीरो लगाना पड़ेगा, वन नहीं करेंगे, वो स्पेस में एक कम होता है ना, इसको रन करते हैं। फाइल यहाँ पे तो ये देखें, इसमें 13 जो नंबर ऑफ वर्ड्स बता देते। ये दो तरीके हैं क्या, आप वर्ड बाय वर्ड रीड, जैसे आपने पढ़ा था ना करेक्टर बाय करेक्टर रीड, वर्ड बाय वर्ड रीड, वो सिंपल वर्ड रीड करते जाएंगे, जितनी दफा लूप चलेगा उतने काउंट में तभी आपके नंबर ऑफ वर्ड का, ठीक हो गया। तो इनपुट के वन करना देंगे सर, आउटपुट क्लियर है, इनपुट के वन करना देंगे, माइक अनेबल करता हूँ जी, माइक ऑन करके बोले आज क्वेश्चन करना देते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, जिसका भी क्वेश्चन था पूछ ले, माइक अनेबल है जी। अहमद
जी बोलो बेटा बोलो। कह रहे हैं नहीं उठे, आप सिर्फ अपना माइक इनेबल करें और बोले। सर रेस्ट्रिक्टेड है सर, अनम्यूट नहीं हो। अच्छा मैं इसको म्यूट करता हूँ। करें करें हो जाएगा। सर मैं कह रहा था ये आउटपुट का हो गया, इनपुट के एक ऑपरेशन वो करवा दें। वो सारे इसमें यहाँ इनपुट वाले भी हैं। ये है राइट प्रोग्राम दैट काउंट द नंबर ऑफ वर्ड, ये हो गया। इसके बाद राइट प्रोग्राम दैट कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल, एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर कंटेंट को मूव करना। ये मूव वाला करवा दें और उसके बाद जो इमेजेस वाला था उसमें से एक कोई करवा दें बस। चलो यहाँ पे मूव में अब आपकी मर्जी है कि आप इसको करेक्टर बाय करेक्टर भी मूव करवा सकते हैं, लाइन बाय लाइन भी मूव करवा सकते हैं, जैसे भी आप मूव कर सकते हैं। कि आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे एक 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 हमने एक फाइल बनाई डाटा 3.txt, एक नई फाइल। अब एक से रीड करे दूसरे में राइट कर दे, यहाँ से उसने रीड किया और ये जो है काउंट वगैरह की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हुआ, एक फाइल से रीड की दूसरी के अंदर राइट, और ये नंबर ऑफ काउंट की जरूरत नहीं है। बस अभी ये यहाँ पे बता दे सक्सेसफुली यहाँ पे क्लोज जो कर दूंगा। एक ऑफ स्ट्रीम था आउट है, इसको रन करते हैं। फाइल कॉपी हम देखते हैं कि वहां पे कॉपी हुई है कि नहीं। ये एक डाटा 3 की फाइल है, सेम वैसी ही है। अब इसमें एक फर्क है कि इसमें हर वर्ड के दरमियान में स्पेस नहीं है, इकट्ठा ही कर दिया। अगर तो स्पेस देनी है तो आप स्पेस भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं राइट करते हुए, ये स्पेस दे दें। अब आप करेंगे तो ये हमारे पास ये हो चुका है। अब देखें ये डेटा 3 है स्पेस वाली, ये डेटा 2 है, ठीक है, दोनों में स्पेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेस दें। इसी चीज को आप करेक्टर बाई करेक्टर भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आपने करेक्टर बाई करेक्टर करना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे CHARCH ले लेंगे और रीडिंग जो है वो इफ डॉट गेट करके कर लेंगे। और यहाँ पे आउट डॉट एक से रीड करके दूसरे में राइट करवा दें, करेक्टर बाई करेक्टर हो जाएगा। ये भी हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ भी देखें कि बिल्कुल, अब इसमें ये डॉट, ये देख एक चीज में एक गड़बड़ होती है, ये डॉट दो मरतबा करती है, इसमें एक मरतबा है, आखिरी कैरेक्टर तो दो मरतबा करता है। आपने इसको रोकना हो कि नहीं भी ये दो मरतबा ना करे, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाने से अब आप करेंगे तो ये देखिए, अब हम चेक करेंगे तो ये
इसमें क्या है, एक मिनट बेटा जी सर। ठीक है, तो वो असल में उसको क्या करता है, जब वो लास्ट जो एंड ऑफ फाइल है उसको लेट रीड करता है, कुछ इसमें वो बफर का तो मसला है, तो उस बफर का मसला आप ऐसे भी कर सकते हैं, फ्लश वगैरह का फंक्शन होता है बफर को क्लियर करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। ओके तो जी सर। अच्छा, आगे ये रीड राइट भी हो गया। आगे ये है कि इनपुट एंड ऑफ क्या कह रहे हैं, फाइल के अंदर इनपुट करवाना यूजर, और इनपुट कब तक करे, जब तक के फुल स्टॉप ना दे दे। यूजर उस वक्त तक इनपुट करे जब तक के फुल स्टॉप ना दे दे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड अपेंड इट। ये जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर है पांचवें था, पांचवा और तीसरा जो है सेम है, एक में एक था। स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग राइटिंग करना चाहिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, दोनों हमने कर लिया। फोर्थ में ये है कि राइट ए प्रोग्राम इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड अपेंड इन द एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर अपेंड करे, उस वक्त तक करे जब तक कि आप डॉट ना देते हो। इसके अंदर इसको सेव एज ही कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। सेव एज करके ये फोर है, इसमें ये अपना आउट हो गया और इसको अपेंड मोड में कर दिया। ये अपेंड पूरा होता है जो डबल पी से चलता है। चलो, इसमें क्या किया जी, आपने अब रीड करना है। अच्छा, और यूजर से अब रीड तो करना नहीं है, सिर्फ राइट ही करना। तो राइट के लिए ये हो गया, ये इसकी जरूरत भी नहीं है। अब यूजर से इनपुट लेनी है, यूजर से इनपुट लेनी है, ये हमने किया। और ये एंड ऑफ फाइल भी नहीं करना है, ये करते हैं यहाँ पे जी, ऐसे कर लेते हैं जी, ch not equal to dot। जैसे ही डॉट आएगा तो वो रुक जाएगा। यहाँ पे अलबत्ता ये कर लेते हैं ch is equal to get che कर लें, या सीन डॉट गेट भी शायद होता है। अब इसमें ये है कि जो भी यूजर देगा वो नजर भी आ रहा होगा, और उसके बाद वो अपेंड सक्सेसफुली अपेंड रन करते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए, हेडर फाइल है कौन है डॉट एच, रन किया जी, या ऊपर इसको लोड किया, इसको चलाया हमने, इसमें मैंड करता है हेलो बी एस सी एस की बोली क्लास डॉट दिया तो खत्म है। ठीक है, जैसे ही डॉट दिया तो, जैसे ही डॉट दिया तो रुक गया इनको जी सर। तो अब इसको चेक करते हैं किसने पेंड किया कि नहीं किया। ये डाटा 3 के अंदर था, हेलो बी एस सी एस इवनिंग क्लास, ठीक हो गया जी। इस तरीके से जो है आप उसमें फर्दर अपेंड कर सकते हैं जी सर। सर ठीक हो गया, और क्या जी सर। एक प्रोग्राम ये है, ये पांचवे वाले दो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का छठा है, सपोज ए फाइल टेस्ट डॉट डीएटी कंटेन 3 इंटीजर सेपरेटेड बाय स्पेस, 3 इंटीजर है
स्पेस से सेपरेट किया उनको, क्या रिवर्स करके डिस्प्ले को, ये तो हो जाएगा। देख लें भी, अगर किसी को लगता है कि नहीं होगा तो बता दें, मैं इसको करवा देता हूँ। सर करवा दें ये वाला भी, रिवर्स वाला। ये हमारे पास इनपुट के लिए यहाँ से एक दे देते हैं, ये चाहिए था कंट्रोल सी, इसको रीनेम करते हैं करके वहाँ पे आगे भी बैठा कर सकते हैं। ये डेटा छोटा सा यहाँ पर एक फोल्डर में आगे ये कोई और कॉपी हो गई। सर ये डेटा वाली को हो रही है, वो डेटा सिक्स आपने ले लिया वो वाली है, ये चाहिए। अच्छा ये डेटा सिक्स यहाँ पे, ये डेटा टू वाली हो गई, डेटा सिक्स वाली सर आगे डेटा सिक्स, ये अभी तो वाली डेटा सिक्स की फाइल को हम डिलीट करना उसको उठा के, तो ये इसका प्रीवियस वर्जन था वीडियो वाला, वो बोले पहले वाली जो फाइल थी उसी को कर लेते हैं, थोड़ा सा अल्टर प्रॉब्लम हुआ था। ये कौन सा ये सीधा पहला प्रोग्राम कौन सा ठीक है, ये फाइल में से ओपन करके इंटीजर रीड कर रहा है ना, ये हमने तीन इंटीजर रीड करना तो हमें ये बेशक नहीं करते, तीन डायरेक्ट रीड कर लेते हैं, ए बी सी कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी रीड कर लेते हैं डिस्प्ले को आए सी पी ए, स्पेस डालनी है तो यहाँ पे ले लिए हमारे पास सी बी ए, इसको डेटा सिक्स का ना तो तीन डेटा सिक्स ले लिया और उठा दे लेते फाइल इज फिनिश्ड। ये बंद ये लूप शूप नहीं है, डायरेक्ट तीन ही था तो तीन हमने ऐसे ही लिया, ये लो ये भी कर दिए 54 56 23, तो ओरिजिनल क्या थे डाटा सिक्स देखिए पहले 23 था, 23 लास्ट में चला, ठीक हो गया जी सर। अगर हमारे पास अननोन हो के बस इंटीजर है वो प्रिंट करवाने हैं रिवर्स ऑर्डर में तो वो रिवर्स का कर लो, लूप में उसके अरे में रखवा लो, इसलिए भी कर लो सर। अरे सर अगर अननोन नंबर है तो फिर तो अरे तो फिक्स्ड होती है, अगर लेंथ होती है उसकी तो रिकर्जन करवा लो। मैं
जी सर रीडिंग मिला रिकर्सिव फंक्शन दे दो फाइल को रीड करता रहे करता रहे रैंडम फाइल पे रुकेगा ना तो ऑपरेट वाली कमांड बाद में देने जाते हुए देख लो दोबारा जी सर बिल्कुल ठीक हो गया ठीक है जी सर उसमें ये स्टोरिंग नहीं होगी सिर्फ रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग का है लेकिन वो तो स्टैक मेंटेन करता रहेगा अपने आप ही रिकर्सिव जी जी सर ठीक है करके इनको शेयर कर देना मुझे भी दिखा देना अगली क्लास तो थोड़ी बहुत चीजें सॉल्व करने में टाइम थोड़ी देर तक कर लेता हूं वो बता देना ना इनको जो ने सवाल पूछा था चलो अभी एक दिन के दिन में कंप्लीटली आएगा तो अभी मैं यहां पे तो आऊंगा जी सर मैं कर लूंगा यहां पे आगे आ गया सातवां सवाल राइट अच्छा इसमें टाइम भी खत्म हो गया अब आपकी वो जो कल क्लास नहीं हो सकी थी लाइट की वजह से दो क्लास है उसका टाइम बताओ कि कब करनी है क्यों भाई ठीक है क्या कहते हो ये दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो गया सर सीआर लीव कर गया किसी वजह से चलो कल आपकी क्लास है वैसे तो सीआर सीआर को हाँ देखो जो स्लॉट है मुझे देख के बताओ ताकि जो है ना वो जी सर जी कल आप क्लासेस है कल कितने बजे क्लास है कल सर जी दो बजे शुरू होनी है दो से लेके आज तो कल तो वैसे भी लैब है चलो उसी के अंदर हो जाएगा दो घंटे की क्लास उसमें दो स्लॉटें पिछले भी निकाल देंगे चले ठीक है बिल्कुल खत्म करते हैं क्लास जी सर